सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अराइव एंटरटेनमेंट पे। मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ सारा खान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके ऊपर एक बायोपिक फिल्म बन रही है और उनका जो लीड रोल है वो निभा रहे हैं विवेक ओबराय। आप तो जानते ही हैं कि विवेक ओबराय एक शानदार एक्टर है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अभी शूटिंग के दौरान विवेक ओबराय घायल हो चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चोट आई है। बिल्कुल, अभी देखते हैं कि विवेक ओबराय प्रधानमंत्री का बायोपिक कैसे निभाते हैं इस रोल में। एक्टर विवेक ओबराय पीएम मोदी की बायोपिक की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। विवेक उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में शूट कर रहे थे। वे इस क्षेत्र की खूबसूरत हर्षिल वैली में शूटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। विवेक एक सीन का शूट कर रहे थे कि जिसमें वे नंगे पांव बर्फ पर गंगा घाट के पास चल रहे थे कि तभी वे अपने पांव में चोट खा बैठे। फिल्म में विवेक पीएम मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान पेड़ से टूटी नुकीली टहनी चुभने से उनके पैर में घाव आ गया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने तुरंत उनके पैर की मरम्मत पट्टी की और पैर में टांके लगाए। फिल्म के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में मोदी की बचपन की जिंदगी और उनकी पॉलिटिकल यात्रा को दिखाया जाएगा। हिस्सों को गंगा घाट, कल्प केदार मंदिर, गाँव को जोड़ने वाले पुल पर शूट किया जाएगा। सदस्यों का कहना है कि विवेक ठीक है और वे जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू भी कर देंगे। गौरतलब है कि श्रीनगर के लाल चौक पर मोदी द्वारा बीजेपी के कुछ लीडर्स के साथ फहराए गए राष्ट्र ध्वज वाले सीन को भी धाराली बाजार में ही शूट किया गया है। इस फिल्म को डायरेक्टर ओमोंग कुमार शूट कर रहे हैं। वे इससे पहले मैरी कॉम और सर्वजीत जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस दौरान विवेक ओबराय शूटिंग के दौरान घायल हो गए और डॉक्टरों का कहना है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और बिल्कुल देखते हैं विवेक ओबराय प्रधानमंत्री की इस बायोपिक फिल्म में कितना हिट होते हैं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या रंग दिखाएगी। आज के लिए बस इतना ही हिमांशी, लेते हैं इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।